नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का सवाल है क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी इज़ प्लेज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई द डायपोल इक्वायर्स अ पोजिशन सच दैट द एक्सेस ऑफ डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एज्यूमिंग दट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ़ द डायपोल टू बी इक्वल टू जीरो वैन थीटा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री हमें बताना है द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाईपोल विल भी रेस्पेक्टिवली हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं पी ई साइन थीटा पी ई कॉस थीटा उसके टाइम में चार आंसर दिए हुए हैं बहुत ही सिंपल सवाल है डायरेक्ट आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई e है आपने डाईपोल को यहाँ पर ऐसे रखा है कि उसका एक सर्टन एंगल थीटा ये आपका डायपोल है और ये एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है तो इस केस में जो हम टॉर्क लिखते हैं टॉर्क विल बी इक्वल टू पी क्रॉस ही होता है और इसको हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा और यहाँ पे जो हमें पोटेंशियल एनर्जी है आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस पी पी डॉट ई सो इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पी ई साइन थीटा एंड माइनस पी ई कॉस थीटा विल बी द राइट आंसर